कंपेरेटिव स्टडी करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। बहुत ध्यान रखिएगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको पहले पहचानना पड़ता है कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और तभी आप आगे करते हैं। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे पहली बात तो ये है कि फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट डिफरेंस जो है दोनों में वो क्या, हेयर द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर, चाहे वो किसी भी क्रम में हो किसी भी सीक्वेंस में हो, दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर। ये सारे के सारे सीरीज में आपस में वन आफ्टर द अदर। ये कैपेसिटर वन, कैपेसिटर वन की पहली प्लेट, कैपेसिटर वन की सेकंड प्लेट, ये कैपेसिटर टू, कैपेसिटर वन की फर्स्ट प्लेट, ये कैपेसिटर टू की सेकंड प्लेट। तो कैपेसिटर वन की सेकंड प्लेट को सीधे सीधे कंडक्टिंग वायर से आपने जोड़ दिया कैपेसिटर टू की फर्स्ट प्लेट से, कैपेसिटर टू की सेकंड प्लेट को सीधे सीधे आपने जोड़ दिया कैपेसिटर थ्री की फर्स्ट प्लेट से। तो इस तरह से चलते चले जा रहे हैं। देखो पहले ये, और सीधी बात ये है, देखो आप कैसे पहचानोगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए आपको इसके ऊपर से कूद के जाना पड़ेगा, तो फिर कूद के जाना पड़ेगा सीरीज में, ये फिर कूद के जाना पड़ेगा सीरीज में, फिर मुड़ गया कोई बात नहीं, अब आगे तो ये नाला है, इसे कूद के जाना पड़ेगा आपको, आगे कूद के जाना पड़ेगा, ये कूद के जाना पड़ेगा, तो ये सारे के सारे आपस में सीरीज में लगे हुए, चाहे देखने में पैरेलल लग रहे हो। ये कई बच्चों से मैं पूछता हूँ कि बताओ बेटा ये पैरेलल में क्यों, पैरेलल में क्यों, क्योंकि दिमाग में ये भरा हुआ है कि जब यहाँ तक यहाँ यहाँ यूं एक दूसरे के आमने सामने होंगे ये तो पैरेलल में होंगे। ध्यान से देखना आपको कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आप एक दूसरे के ऊपर चलते हुए चले जा रहे हो, तब ये आपका सीरीज में लगेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे के सारे कैपेसिटर एक साथ जुड़े होते हैं एक ही पॉइंट पर, सबकी एक कौन एक प्लेट एक पॉइंट पर जुड़ी हुई, दूसरी प्लेट दूसरी पॉइंट पर जुड़ी हुई है। पहली वाली प्लेट सबसे तार बांधे एक जगह जोड़ दिया, दूसरी वाली प्लेट इन सबको लाके दूसरे पॉइंट पर लाकर जोड़ दिया, ये पैरेलल में। कभी कभी देखने में सीरीज में लगते हैं लेकिन होते हैं पैरेलल में हो। ये दोनों पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है, ये दोनों कैपेसिटर यहाँ पैरेलल में है। कैसे हैं पैरेलल में, देखो ध्यान से, एक प्लेट यहाँ जुड़ी, ये मैं पॉइंट ए और बी लिख देता हूँ, एक प्लेट जुड़ी ए पॉइंट से, दूसरी प्लेट दूसरे कैपेसिटर की जुड़ी ए पॉइंट से, तो दोनों की एक एक प्लेट ए पॉइंट पर आ गई। अब ये जरा तार घूम फिर के कहाँ जा रहा है, बी पर, इसका तार घूम फिर के कहाँ जा रहा है, बी पर जा रहा है, तो ये दोनों अब भी क्या है, पैरेलल में है। ये बहुत ध्यान रखना, सीरीज का मतलब जब आपको आगे बढ़ने के लिए इसके ऊपर से कूद के जाना पड़े तो फिर ये सीरीज में है, और जब आपको दिखाई दे आपको लगे डायग्राम में कंफर्म हो जाए कि दो या तीन या कैपेसिटर चार कैपेसिटर हैं, इनकी कॉमन प्लेट, इनकी एक एक प्लेट तो एक जगह जुड़ी हुई है और दूसरी प्लेट है वो सारी मिलकर के एक साथ जुड़ी हुई है, तो ये दोनों आपस में या दो तीन चार जितने भी होंगे सब ये पैरेलल में होंगे। आप पहला पॉइंट तो ये रहा, दूसरा पॉइंट है चार्ज, चार्ज क्यू, क्यू सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम ऑन ईच, अगर आपने 10 5 10 20 भी लगा दिए तो जितना चार्ज पहली पर होगा उतनी दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें, सब पर चार्ज बिल्कुल सेम रहेगा, भले ही कैपेसिटी इनकी कम ज्यादा हो, भले ही कैपेसिटी कम ज्यादा हो लेकिन चार्ज सबके ऊपर सेम रहेगा। और जब आप जोड़ रहे हैं पैरेलल में तो पैरेलल में जो भी आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है पैरेलल कॉम्बिनेशन पर, वो ही पोटेंशियल डिफरेंस पहले वाले के लिए सी वन के लिए भी, वही सी टू के लिए भी, वही सी थ्री के लिए भी, सबके लिए एक जैसा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ चार्ज सेम है, यहाँ सेम, सेम क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबके लिए वोल्टेज सेम है। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट हुआ आपका, नंबर टू पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, ये सब आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, जो मैंने नोट्स आपको भेजे थे ग्रुप में वो सबके पास पीडीएफ फाइल में बिल्कुल बनी हुई है पूरी टेबल बढ़िया वाली। तो यहाँ
डिफरेंट क्या है यहाँ पर, सेम की बात करी थी, अब डिफरेंट। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है, पहले वाले पर कुछ और होगा, दूसरे वाले पर कुछ और होगा, तीसरे वाले पर कुछ और होगा। पहले वाला एग्जाम्पल अपने सामने निकाल के रखते हैं, देखो ये वाला एग्जाम्पल है ये। चलो मैं इसे पेज को फाड़ लेता हूँ यहाँ से। देखिए आप ध्यान से कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन था तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अलग अलग थे, वोल्टेज डिफरेंट थे सीरीज कॉम्बिनेशन में, लेकिन चार्ज सबके ऊपर सेम था, उतना ही जितना कि पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन का पर चार्ज है। जब आपने पैरेलल में लगाया था तो पैरेलल में सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, 15 वोल्ट पर आपने लगाया हुआ है, तो ये कैपेसिटर भी 15 पर है, ये कैपेसिटर भी 15 पर है, ये भी 15 पर है, ये 15 पर है, लेकिन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चार्ज डिफरेंट था। जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है उस पर ज़्यादा चार्ज, जिसकी कैपेसिटी कम उस पर कम चार्ज, जिसकी कैपेसिटी कम है उस पर कम चार्ज, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है उस पर ज़्यादा चार्ज, चार्ज डिफरेंट है। लेकिन यहाँ वोल्टेज डिफरेंट होने में एक डिफरेंट एक और अंतर है। यहाँ आप देखिए ध्यान से, जिसकी कैपेसिटी कम है, जिसकी कैपेसिटी कम है उसका पोटेंशियल डिफरेंस लार्जर है, और जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। उल्टा उल्टा सा दिखाई देता है ये, उल्टा उल्टा सा दिखाई देता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंट है, वोल्टेज डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है, और उसमें भी एक खास बात क्या कि जो छोटा कैपेसिटर है, जिसकी कैपेसिटी कम है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 ज्यादा है, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है उसका अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज अलग अलग है, लेकिन यहाँ चार्ज के साथ फिर उल्टा है कि जिसकी कैपेसिटी कम है उस पर चार्ज ज्यादा है, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है उस पर चार्ज ज्यादा है, क्योंकि लेवल दोनों का सेम है। वोल्टेज का मतलब लेवल दोनों का सेम है, एक ये वाला गिलास मेरा और एक ये जग, दोनों में सेम लेवल तक लस्सी भरी हुई है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, लेवल दोनों का सेम है, वोल्टेज दोनों का सेम है, लेकिन जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है उसमें क्वांटिटी ज्यादा है, जिसकी कैपेसिटी कम है उसमें क्वांटिटी कम है। तो वही चार्ज के साथ यहाँ पर ही भी है, जिसकी कैपेसिटी कम है उसका चार्ज, उस पर चार्ज कम है, जिसकी कैपेसिटी बड़ी है उस पर चार्ज भी ज्यादा है। कब? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब जब आपका वोल्टेज सेम बना रहता है, जब आपके दो बर्तनों का लेवल, बर्तनों में लस्सी का लेवल जब आपका सेम बना हुआ है, तब दोनों में से जो बड़ा होगा साइज में बर्तन उसमें ज्यादा क्वांटिटी आएगी, जो साइज में छोटा होगा, जिसका बेस छोटा होगा उसमें क्वांटिटी कम आएगी। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ थर्ड पॉइंट डिफरेंस है वोल्टेज। देखो वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ये एक ही बात है, पोटेंशियल डिफरेंस कह दो या वोल्टेज कह दो, एक ही बात है दोनों की, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज होते हैं। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है, और यहाँ क्या डिफरेंट है, यहाँ आपका चार्ज डिफरेंट है, लेकिन इस डिफरेंस में भी क्या है, जो स्मॉलर कैपेसिटर है, स्मॉलर कैपेसिटर पर क्या होंगे, लार्जर वोल्टेज होगा। यहाँ स्मॉलर कैपेसिटर पर क्या होगा, स्मॉलर चार्ज आएगा। उल्टा है देखो, यहाँ स्मॉलर कैपेसिटर पर लार्जर पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ स्मॉलर कैपेसिटर पर स्मॉलर चार्ज आएगा, यहाँ चार्ज अलग अलग है, यहाँ वोल्टेज अलग अलग है। उसके बाद अगला क्या डिफरेंस है इसमें, कि जब हमने फॉर्मूला ड्राइव करा है इसका, तो फॉर्मूले में ड्राइव करा है 1/Cs इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 एंड सो ऑन। यहाँ जो हमने ड्राइव करा है फॉर्मूला Cp इज इक्वल टू C1 + C2, मतलब क्या हुआ कि यहाँ देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज इक्वल टू द सम, इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर, रिजल्टेंट जो कैपेसिटी है, इस रिजल्टेंट कैपेसिटी का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू है सम, किसके सम के इक्वल है ये, सम ऑफ
रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर जितने भी आपके लगे हुए, और यहाँ सीधे सीधे पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधे सीधे C1 + C2 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो आप, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। CP = C1 + C2, या तीसरा भी कैपेसिटर है तो यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ कैपेसिटीज ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ किसका सम, कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर, जितने भी इंडिविजुअल कैपेसिटर्स आपने लगाए इनकी कैपेसिटी के सम के इक्वल हो जाता है नेट कैपेसिटी। इसके बाद में पांचवा डिफरेंस क्या है, पांचवा डिफरेंस ये है कि जो आपका सी एस है, सी एस इट इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट कैपेसिटर, जो सबसे छोटी छोटा कैपेसिटर है उससे भी कम हो जाएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटी। जैसे कि इसमें आपने यहाँ देखा था कि आपने सीरीज में लगाए दो कैपेसिटर लगाए सीरीज में, एक 10 माइक्रोफेरेड का एक 50 माइक्रोफेरेड का, और दोनों के कॉम्बिनेशन कैसे काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है जैसे कि दोनों मिलकर एक कैपेसिटर की तरह काम कर रहे हैं, जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी है 8.33 माइक्रोफेरेड। यानी अब ये दोनों मिलकर, इन दोनों की मिलकर कैपेसिटी जो सबसे छोटे वाला कैपेसिटर है उससे भी कम रहेगी। अगर मैं यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड का एक और लगा दूँ तो अब तीनों की कैपेसिटी मिलकर 2 माइक्रोफेरेड से भी कम हो जाएगी, जबकि आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट कैपेसिटी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी है, वो सबसे बड़े वाले से भी ज़्यादा हो गई, क्योंकि जुड़ गए सीधे सीधे, सबसे बड़े वाले से भी ज़्यादा हो गई इक्विवेलेंट कैपेसिटी। पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी है, जो सबसे बड़ा लग रहा होगा, अगर मैंने यहाँ इस कॉम्बिनेशन में यहाँ मैंने 100 माइक्रोफेरेड का और जोड़ दिया तो मैं 100 और ऐड कर दूंगा तो कितना 160 हो जाएगा, यानी 100 से ही बड़ा हो गया। इक्विवेलेंट कैपेसिटी आपके लार्जेस्ट वाले से भी बड़ी होती है, और यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा लगा हुआ है, स्मॉलेस्ट लगा हुआ, उससे भी कम होती है। तो ये सी एस स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटी, और सी पी कितना है, इट इज लार्जर देन द लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन, जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ी हो जाती है कैपेसिटी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आकर। ठीक है, एक और, अच्छा यहाँ हमें देखने में ऐसा लगता है, जैसे ये लगता है देखने में कहाँ गया ये वाला, ये कि यहाँ जब हमने इसको किया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी तो और कम हो गई, इक्विवेलेंट कैपेसिटी और कम हो गई, मतलब दो एक 10 माइक्रोफेरेड एक 50 माइक्रोफेरेड, अब ये दोनों मिलके बेचारे 8 माइक्रोफेरेड 8.25 माइक्रोफेरेड की तरह काम कर रहे हैं, तो फिर ये वाला तो कॉम्बिनेशन यूजलेस हो गया ना, बिल्कुल यूजलेस हो गया, हम कभी इसे यूज ही नहीं करेंगे क्योंकि कैपेसिटी और ढक रही, डिक्रीज हो रही, नहीं इसे यूज करना होता। ध्यान से देखो जरा, मैं आपको एक कैपेसिटर दिखाता हूँ, देखो ये कैपेसिटर है, ये इस पर आप देखिएगा ध्यान से, इस पर लिखा हुआ है सबको शायद क्लियरली दिख रहा होगा इस टाइम, ये इस पर लिखा हुआ है 470 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट, 470 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट, मतलब यह है कि इस कैपेसिटर को मैक्सिमम 50 वोल्ट तक यूज किया जा सकता है, 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे सकते हैं इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में, प्लेट्स के बीच में, अगर 50 वोल्ट से ज्यादा का टर्मिनल दे दिया तो ये फट जाएगा, जिसे कहते हैं आपका मिस्त्री कहता है जी आपका आपका कंडेंसर फूट गया, इसका कंडेंसर फट गया, वो कंडेंसर ऐसे ही फटता है कि उसे वोल्टेज मिल गया जरूरत से ज्यादा, जितने उसकी टॉलरेंस थी उससे ज्यादा। अब ये देखो दूसरा कैपेसिटर है मेरे हाथ में, इस पर लिखा हुआ 10V, 10V मतलब मैन्युफैक्चरर ने, कंपनी ने बनाया है इसको, इसको ऐसे बनाया है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में मैक्सिमम 10 वोल्ट आप यूज लगा सकते हो, 10 वोल्ट से ऊपर आपने लगा दिया तो ये फट जाएगा पटाखे की तरह, दिवाली के पटाखे की तरह फट जाएगा, मेरे साथ बहुत बार हो चुका, फट जाता है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन कैसे यूज करेंगे, अब ये देखो ध्यान से, ये वाला मेरे पास है कैपेसिटर, इस पे लिखा 25V, 25 वोल्ट का कैपेसिटर है ये, 25 वोल्ट का कैपेसिटर है, मतलब 25 वोल्ट तक मैक्सिमम टॉलरेट कर सकता है, 25 वोल्ट से अगर इसके ऊपर मैंने 30 वोल्ट अप्लाई कर दिया तो फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा एकदम, ये गर्म हो जाएगा, और गर्म होकर आपकी मम्मी चिल्लाएगी क्या कर दिया, क्या क्या फोड़ा है,
अब ध्यान से देखो, मेरे पास थे कैपेसिटर 50 वोल्ट का, लेकिन मुझे जो सर्किट ड्रॉ करना था, सर्किट मुझे बनाना था, उस सर्किट में मुझे वोल्टेज रखने 150 वोल्ट, मुझे सर्किट में वोल्टेज रखने हैं, कितने रखने हैं मुझे, मुझे सर्किट के वोल्टेज रखने 150 वोल्ट, इससे कम पर मेरी बात नहीं बनती। अब कैपेसिटर मेरे पास है कुल 50 50 वोल्ट का, के जो 50 वोल्ट से इसे मैंने अगर 150 वोल्ट पे लगा दिया तो फट जाएगा 2 मिनट के, 2 मिनट के सेकेंडों में फट जाएगा, तो मैं क्या करूंगा। देखो ध्यान से, आप ध्यान से देखना कि जब पैर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 15 वोल्ट थे ना इस पर मैंने अप्लाई किया है, अभी 15 में से 12.5 वोल्ट तो आ गए पहले वाले कैपेसिटर पर और 2.5 वोल्ट रह गए दूसरे वाले कैपेसिटर पर। तो सीधी बात यह है कि अगर मुझे 150 वोल्ट पर कैपेसिटर यूज करना है तो मैं ये 50 50 वोल्ट वाले 3 कैपेसिटर सीरीज में लगा दूं, हर एक कैपेसिटर को 50 वोल्ट मिलेगा, बढ़िया काम करता रहेगा। तो यहाँ जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू इंक्रीज इंक्रीज मैक्सिमम मैक्सिमम टॉलरेबल वोल्टेज, मैक्सिमम टॉलरेबल वोल्टेज बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जब आपको लग रहा हो कि आपके पास जो कैपेसिटर है उसकी वोल्टेज रेटिंग कम है और आपकी वोल्टेज ज्यादा है, तब आप सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो साफ साफ आपको ये दिखाई दे ही रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, सीधे सीधे कैपेसिटी जुड़ गई। तो जब आपको लार्जर कैपेसिटी चाहिए तब आप यूज करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब आपको लार्जर वोल्टेज पर ऑपरेट कराना है तो आप यूज करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी लिखी हुई है, कितनी है इसकी कैपेसिटी, 470 माइक्रोफेरेड, 470 माइक्रोफेरेड। अब ये जो 470 माइक्रोफेरेड है, इतने पे तो मेरी बात बन नहीं रही थी, ये 470 माइक्रोफेरेड है, मुझे चाहिए था 1200 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर। तो मुझे क्या करना है, सिंपल सी बात है, ऐसे ऐसे 3 कैपेसिटर आपस में पैरेलल में जोड़ लूँ। जब पैरेलल में जोड़ लूंगा, जब पैरेलल में इन्हें जोड़ लूंगा तो क्या होगा, पैरेलल में जोड़ करके मुझे 470 470 के 3 कैपेसिटर मैंने अगर पैरेलल में जोड़ लिए तो 470 470 470 मिल गए, 4 4 12 और 7 21, 1410 वोल्ट, 1410 माइक्रोफेरेड मिल जाएगा मुझे। अगर 470 के मैं 3 कैपेसिटर पैरेलल में जोड़ दूं तो मुझे 1410 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर बन जाएगा मेरे हिसाब से। तो जब कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, जब आपको कैपेसिटी इंक्रीज करनी है तो यूज करेंगे आप कौन सा कॉम्बिनेशन, यूज करेंगे आप कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इट इज यूज्ड टू इंक्रीज क्या, कैपेसिटी, कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए। और जब लार्जर वोल्टेज पर आपको एक ऑपरेट कराना अपना कॉम्बिनेशन, तो आप यूज करेंगे कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, आप यूज करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। मुझे लगता है इतनी बात सबकी समझ में आई है। अब इसमें से कुछ पहचान कर लेते हैं हम, कैसे कैसे इसका यूज किया जाएगा।